ये फन फेयर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसके पीछे एक मैसेज भी है, एक मकसद है जो सिर्फ हम बड़े अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ हम लोग की मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस लेवल बढ़ते जाते हैं। चल जोकर को पेलते हैं। आई मीन डियर पेरेंट्स, आप सब बड़ी मेहनत से अपने घरों से कुछ ना कुछ बनाकर यहाँ लाए हैं। उन पकवानों की बिक्री से जो पैसे आएंगे वो अनाथालय के बच्चों को जाएंगे, जिससे आपके बच्चे सीखेंगे केयरिंग, शेयरिंग, एक दूसरे से प्यार। बंटी, रिया के बाल छोड़ो, ये सब बाल छोड़ो। वन मिनट प्लीज, मैं अभी आई। ओह हाँ, इस फूड स्टॉल के इंचार्ज है टीना के फादर मिस्टर पुरकायस। पुरकायस जी प्लीज आइए ना। हाँ प्लीज हैंडल कीजिए। रिया हॉकी नीचे, हॉकी नीचे। चल बे, हिट एंड विन। हाँ हाँ बाबा, हाँ हाँ ठहर जा बच्चों। हाँ हाँ हो। गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम मिथिलेश पुरकायस्थ। मुझे इंचार्ज मत समझिए, ये फूड स्टॉल तो आप सभी का है, पीटीए परिवार। सभी पेरेंट्स जो जो स्नैक्स लाए प्लीज यहाँ लाइए। अप्रिशिएट। ओह बाबा जोकर, क्या बात है। मुझे वो अभी वहाँ सीसो पे अकेला है। मैं भी अभी के साथ ना सीसो पे बैठ जाती हूँ। अभी दादी आ रही है बैठने। अप्रिशिएट। तो ये है सोया स्टीम कबाब जो मेरी वाइफ राधा ने बनाया है। और ये क्या है? मेथी की मटरी। मेथी पौष्टिकता से भरपूर। अप्रिशिएट। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑयल थोड़ा कम। बच्चों की सेहत इज मेन। अप्रिशिएट। ये क्या है? ये हमारे स्नैक्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। अरे ऐसा खाना कौन सा बच्चा खा सकता है? सर वो एक्चुअली हमें पहले पता नहीं था। एक मिनट। मिस्टर वालिया। जी सुमित वालिया। और ये आपकी मिसेस। जी सॉरी टू से, आपका ये स्नैक्स रिजेक्ट होता है। क्यों? कहाँ लिखा है कि हम ये नहीं ला सकते? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ कि अब एक्चुअली यहाँ पर लिखा है पीटीए ऑफिशियल मेल में, यहाँ साफ साफ लिखा है सिर्फ हेल्दी फूड, पौष्टिक आहार, जिसमें मैंने पौष्टिक आहार की अप्रूव्ड लिस्ट भेजी थी। सर वी आर रियली वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम। सुमित, एक्सक्यूज मी मिस्टर पौष्टिक। पुरकायस्त, मिथिलेश पुरकायस्त। प्लीज आप ना पहले ये क्लास मॉनिटर की सीट से उतरिए, हमने कोई जुर्म नहीं किया। आप एक छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़ बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ या आप? माया प्लीज वो सही तो कह रही। सुमित इन्हें कहो ना। देखिए मिस्टर पुरकायस्त, सीनियर पीटीए हेड मिथिलेश पुरकायस्त। जो भी हो, देखिए मैं दो बच्चों की माँ हूँ, बहुत सारा काम रहता है, मुझसे जो भी हो सकता था मैंने किया। ओके दैट्स इट। देखा दोनों बच्चों को कैसे सीधा कर दिया। मिस आप ना मुझे इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाइए, सबको सीधा कर दूंगी। बिल्कुल मैम। डियर पेरेंट्स सब ठीक? अफसोस नॉट मिस मिश्री, जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर और मिसेस वालिया का इस फूड स्टॉल में योगदान 0/0 के बराबर। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, ये तो हमारे स्कूल कैंटीन में भी नहीं मिलते। सॉरी लेकिन हम गलत लोग नहीं है, मैं हर साल अपना इनकम टैक्स भरता हूँ। क्या बोलो, तू चुप कर। देखिए ये मेरी बहू है। हाँ अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूंगी। इसने जो भी गलत किया
उसके लिए कल कल फेयर है ना? जी 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 जी। हाँ तो स्नैक्स मैं बनाऊंगी। इस लिस्ट में से? हाँ हाँ ये सब कुछ बनाऊंगी ताकि हमारे परिवार पे जो शर्मिंदगी का कीचड़ पड़ा है ना उसे धो सकूं। हाँ। मम्मी जी क्या जरूरत है? जरूरत है। अरे छोटों की गलतियों पर पर्दा डालना ये बड़ों का काम है। मैं अभी को सीसों से उतार के आती हूँ। हाँ। अबे बोनू पहली बार ऐसी गेम खेली है जो दिल्ली वालों के लिए बनी है, मतलब बंदे को पीटो और इनाम जीतो। फॉर्चून टेलर मुनु चल किस्मत पढ़वाते चला। तू जा मुझे पता है आगे क्या होना है। अबे मनु तैयारी हो गई मेले में चले। हाँ बाबू जी आप लोग तो आलिया से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। अबे एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे, जोक मारने से ज्यादा मजा तो जोकर को मारने में आता है। क्या सारी रात अपने थ्रो की प्रैक्टिस करता रहा है ना बाबू जी? कल का पंगा काफी नहीं था क्या? ओ वो चश्मिश पुग्गा जो तेरे को धमकी दे रहा था। धमकी नहीं वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। डरपोक। अबे और लात को शर्मिंदा करेगा? शर्मिंदा और क्या, जरा बता इसे कि मैंने लाइफ में आज तक तुम दोनों को कभी शर्मिंदा होने दिया? सोच क्या रहा? अबे जब किसी ने भी पंगा लिया मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अबे सोच क्या रहा है? मैं क्या सोच रहा हूं? तो आप चाहते हो कि मैं पुरकायस्थ को पीट दूं? पेल डाल। अरे लेकिन उसने किया क्या है? माया भी उसके पीछे पड़ी हुई है कि हमारे घर से कोई भी स्नैक्स नहीं जाएगा। लेकिन पापा जी मैंने भी फैसला कर लिया, मैं स्नैक्स लेकर जाने वाला हूँ। तू अपनी बीवी की बात ना मान के उस लपाड़ी की बात मान रहा है? अबे उस जोकर का तो पता नहीं लेकिन आज ये तो गया। ये बड़ी माया की सुमित को। हाय हाय डॉली क्या खुशबू है, जी चाह रहा है हवाई खा जाऊं नमक मिर्च मिला के। आज मैंने जहां पना चिकन जो बनाया। जहां पना चिकन? पता है इसमें ना आज मैंने काजू किशमिश बादाम सब कूट कूट के भरा है। कूट कूट के? सब आपकी सेवा में समर्पित पति परमेश्वर। अबे कहीं इसमें चूहे मारने वाली दवाई तो नहीं मिलाई ना? मैं अपने सबसे प्यारे इकलौते पति के साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगी। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। अबे सोनू ये तेरी माँ आज सुबह सर के बल गिर तो नहीं गई थी? आप कितना हंसाते हैं। हंस के मेरा पेट फट गया। मम्मी जी मेरा भी पेट फट गया भूख के मारे। अच्छा आप कुकड़ वेस्ट नहीं करते, हल्ला बोल। एक मिनट मैं ना कुछ बात करना चाहती हूँ स्वामी। अच्छा बक। जैसे लोग मंदिर में जाके भगवान को पूछते हैं वैसे मैंने हमेशा आपके पेट को भगवान मान के उसकी पूजा की है कि नहीं? तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर मैं हर साल आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो इस साल आप मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखते? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई क्यों नहीं। क्या बोली? अबे सोनू तेरी माँ है ना बावली हो गई है। अगर मोनू माया के लिए व्रत रख सकता है तो आप मेरे लिए क्यों नहीं रख सकते? अबे डॉली ये मोनू है ना शक्कर और अकल दोनों से आधा जनानी है। मैं नहीं हूँ ब्लडी फूल। अच्छा मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा करना ब्लडी फूल बन जाना है। डॉली जल्दी से मेरे को कुकर दे दे नहीं तो भूख के मारे जानवर बन जाऊंगा मैं। कुकर चाहिए? नहीं मिलेगा। क्या तूने मेरी आंखों के सामने से कुकर छीना? डॉली Nobody got Babuji ke gurde mein dam to take the food from the Jasbir Walia. Achha, kal maine bhi na aapse mere liye Karwa Chauth ka vrat nahi rakhwaya na, to mera naam bhi Dolly Walia nahi hai. Barbadi macha dunga, lekin vrat nahi rakhunga. Sonu, tu
तुझे अपनी माँ की दूध की कसम, अगर इसमें से एक भी निवाला उनके खाने दिया तो। कैसे मम्मी जी? हरामखोर, अगर अपने बाप की चौकीदारी की ना तो वसीयत से बेदखल कर दूंगा। ओ, इसका मतलब मैं वसीयत में हूँ? मेरा कुकर दे। नहीं देती। दे मेरा कुकर। पापा जी, अरे मुझसे करवा चौथ का व्रत क्यों रखवा रहे हो? हाँ, आज हम दोनों एक साथ व्रत रखेंगे तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, पक्का। I love you, Sumit. I love you too. और सुमित, पापा जी और तेरी तो शामत है आज। हैप्पी करवा चौथ। पापा जी की भी शामत है? हाँ, मम्मी जी पापा जी से जबरदस्ती व्रत रखवा रही, घर का सारा खाना छुपा दिया है और पापा जी को नीचे बंद कर दिया है ताकि पापा जी कहीं बाहर जाके खाना ना खा पाए। पापा जी नीचे कैद है, हाउस अरेस्ट। अच्छा है ना, नहीं तो बिन बात पे मुझे पापा जी की चौकीदारी करनी पड़ती। पापा जी आजाद हो गए क्या? अबे हराम खोरो, मैं एकदम खार उधेड़ दूंगा तुम्हारी। अबे सोनू, जसबीर दी वालिया दी ग्रेट को खाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दे दे ना, यही दे दे, यही दे दे। अबे इसके अंदर का कीला कहाँ चला गया? देखो मेरे को खाना दे दो, नहीं तो ये भूखा शेर है ना अपनी औलाद को ही खा जाएगा चीर फाड़ के। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। मदद कर, नहीं तो मम्मी जी को जाके कह दूंगा कि तूने पापा जी को खाना खाने दिया। अबे यार, चक्कर आ रहे हैं। क्यों क्या? पूरा घर सर्कल में घूम रहा है। सर्कल लगता है भूख की वजह से है ना, अब मेरा बीपी लो हो गया। अरे सुन, केला ले आ पापा, एक केला पड़ा हो पापा जी के लिए, केला लेके आना जल्दी, लेके आ। केला चलता है पापा जी, केला आया। आए, ये तो केला ही है। अब बीपी भी ठीक हो रहा है, बल्कि ठीक हो ही गया है। पापा जी धोखा। अबे ये मत भूलो कि मैं तुम दोनों बंदरों का बाप हूं। चल भाई केले, अकेले अकेले। पापा जी, अबे ये क्या दिखा रहे हो? बाहर निकल। पापा जी बैठ जाओ, आपका लो बीपी हाई हो जाएगा। अरे भोले दे हाई, नहीं बैठूंगा मैं। अपनी माँ से कह दियो मैं जा रहा हूँ पंडारा रोड, पूरी रात जो है पार्टी करूंगा, मुर्गा पालूंगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले मेरे को, जा रहा हूँ। Bum 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 bada bidi bidi bum 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 b